Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with my new lecture about tenses. It's our second lecture. First was about present tense, and now we are going to discuss past tense. ठीक है? So let's start from our first slide. So the first slide is about definition of past tense. Sorry, इसको हमने थोड़ा उर्दू में भी करना था. Past tense is used to show the actions, events or moments that have already happened or occurred in the past. अब past tense जो है वो क्या show करता है? वो वाले action, यानी वो वाले वाक़ियात, वो वाली बातें जो कि हमारी past में यानी गुजरे हुए ज़माने में हुई हैं. ठीक है? Present जो होता है ना, मौजूदा ज़माना. Past होता है गुजरा हुआ ज़माना. इट कैटेगराइज द टेंस इंटू फोर मेन टाइप्स. इसके आगे चार टाइप्स हैं, यानी पास सिंपल टेंस, पास कंटिन्यूस टेंस, पास परफेक्ट टेंस एंड पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? पास सिंपल टेंस. पास सिंपल टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एनी इवेंट, एक्शन, मोमेंट विच अकर्ड इन द पास. यानी कि वही बात होगी कि जो सादा जो है माजी का जुमला, वो कौन सा होता है जिसमें कोई भी वाक़या हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी जो ना मोमेंट हो जो कि पास्ट में हो, तो उसको क्या कहेंगे? माजी में हो. तो वो किस में फॉल करेगा? पास सिंपल टेंस में. बिल्कुल सादा जुमला होगा, जैसे कि हम लोग उर्दू में कहते हैं कि वो खाना खाता है, उसने खाना खाया. वो खाता है, वो तो प्रेजेंट में होगा ना, उसने खाना खाया. अब ये देखें इस सेंटेंस में, उसने खाना कब खाया, वो खाना खा रहा है, वो क्या खाना खा चुका है, वो कब से खाना खा रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना. इसमें सिर्फ ये है कि उसने खाना खाया. ठीक है? तो ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है. जैसे वो खाना खाता है, वो खाना खाता है किसमें था? प्रेजेंट टेंस में. वो उसने खाना खाया तो पास्ट सिंपल में, क्योंकि कब खाना खाया, इसमें किसी और बात का जिक्र नहीं है. ठीक है? तो इसको और क्या कहते हैं? इसको प्रेटरेट कहते हैं. प्रेटरेट इसको और प्रेटरेट भी कहते हैं. प्रेटरेट भी ग्रामेटिकल जो है ना, ये टर्म है, इसका भी यही मतलब है कि वो वाला एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो. इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. पीछे जो हमने सिंपल प्रेजेंट किया था उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी, अब पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है? अब ये कि एग्जाम्पल अगर देखें, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले. आई वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग. जो फर्स्ट फॉर्म है वेंट की, वो होगी ना गो, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट. तो हमने जब पास सिंपल करना है तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो हम लगाएंगे वेंट. आई वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग. ही रोट अ लेटर टू हिज फादर. राइट की सेकंड फॉर्म रोट. दे केम टू सी माय ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल. कम की सेकंड फॉर्म केम. तो आपने ये वाली बात याद रखनी है के ही शी इट आई वी यू दे, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड होगा. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसे बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं सॉरी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट, तो वेंट चेंज हो जाएगा गो में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. सॉरी यहाँ पे वर्ब टू लिखा हुआ है, जो है ना प्रेजेंटेशन बनाते हुए मेरे जहन से निकल गया. ठीक है? तो गो आएगा. आई डिड नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर. तो रोड चेंज इन टू राइट. दे डिड नॉट कम टू सी माई ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल. केम्स चेंज इन टू कम. ठीक है? उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हुए सेम हेल्पिंग वर्ब इज डिड. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डिड आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. डिड ही राइट अ लेटर टू हिज फादर. डिड दे कम टू सी माई ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल. और आगे इसके आगे आपको पता है कि इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला हो तो हम उसके आगे सवालिया निशान लगाते हैं. ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर आप बोलें तो वो ये भी हो सकता है कि जो कि माजी में होने वाले किसी भी जारी अमल को जाहिर करने के लिए होता है. ठीक है? माजी में शुरू हुआ था और जो है ना मतलब अभी तक जारी है. माजी से शुरू होने वाले किसी भी जारी अमल को जो ना वो, अगर मैं उर्दू में बताऊँ तो उसको पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द अकरिंग सर्कमस्टांसिस और एनी कंटिन्यू एक्शन डैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनी एक्शन विच इज़ हैपनिंग इन द पास्ट. ठीक है? जो कि पास्ट में हो रहा हो. स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है.
वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, ही शी इट के साथ, वर जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ यूज़ होगा, जैसे वैसे आई के साथ भी वॉज यूज़ होता है, ठीक है। वो कैसे बोला कि जब भी हम कहें ना कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रियल डेट हैपन्ड इन द पास्ट, सो वी यूज़ पास्ट टेंस इंडक्टिव, तो वी विल यूज़ वॉज विद आई। जैसे अभी देखें कि आई वॉज ट्रेवलिंग टू लॉस एंजल्स टू अटेंड अ बिजनेस पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रियल, ठीक है, डैट हैपेंड इन आवर पास्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ वॉज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग एन एक्ट इन द एनुअल गैदरिंग, तो दे के साथ वर आएगा, आपको ऊपर भी बताया है कि आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। ही वॉज लिसनिंग टू माई वर्ड्स, तो ही क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वॉज आएगा, एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वही है वॉज पर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा सिर्फ हमने शी वॉज लुकिंग प्रीटी था, शी वॉज नॉट लुकिंग प्रीटी, दे वर नॉट प्लेइंग एन एक्ट इन द एनुअल गैदरिंग, ही वॉज नॉट लिसनिंग टू माई वर्ड्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगा देना। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब्स थे ना वॉज वर, वो हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले आएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस वैसे ही रहेगा। वॉज शी लुकिंग प्रीटी, आगे वर दे प्लेइंग एन एक्ट इन द एनुअल गैदरिंग, वॉज ही लिसनिंग टू माई वर्ड्स, और उसके बाद आपको पता है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए आगे हम लोग सवालिया निशान लगाते हैं, बस इतनी सी बात है। सबसे ईजी जो सेंटेंस टेंस है ना वो मुझे पास कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेज लगते हैं सब में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टेल द हैपेंड सिचुएशन विच अकर्ड बिफोर अ कम्प्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि वो ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है कि जो कि हमारी वो वाली जो सिचुएशन है ना वो पास्ट में हो चुकी है, ठीक है। इट ऑल्सो शो द स्पेसिफिक टाइम वेन द एक्शन अकर्ड, यानी कि वो स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है कि कब वो काम हुआ था। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रो परफेक्ट इन इंग्लिश एंड कम्बाइंड द पास्ट टेंस इन एंड अ परफेक्ट रेस्पेक्ट। स्ट्रक्चर फार्मूला अगर देखें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब प्लस ई डी भी लगा सकते हैं इसके साथ, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब की जो थर्ड फॉर्म है वो ई डी पे ही ख़त्म हो, ठीक है। रीच्ड ही नहीं हो सकती, वो इटन भी हो सकती है, सही है। एग्जाम्पल देखें अगर, तो सब्जेक्ट शी हमने उसका लगाया हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गोन, ठीक है। शी हैड गोन टू हैंग आउट विद हर बॉयफ्रेंड, कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा चुकी थी। दे हैड रेस्क्यूड द इंटायर रिफ्यूजीज फ्रॉम द फ्लडेड एरिया, कि उन्होंने तमाम हाजरीन को सैलाब के इलाके से में बचाया था। तो अब देखें कि वो वाली सिचुएशन के बारे में स्पेसिफिक टाइम का भी बता रहा है, और वो सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि जो कि पास्ट में हुई थी और वह कम्प्लीट हो गई है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच्ड देयर, ठीक है, कि ट्रेन जो है ना वो स्टेशन से चली गई थी उस टाइम जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो काम कंप्लीट भी हो गया, पास्ट में भी हुआ है, और उसके बाद उसने यहाँ पर उसके साथ स्पेसिफिक टाइम भी बताया, ठीक है। टाइम हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेम एज इट इज़ हैपिंग वर्ब वही रहेगा, हैड इंट्रोगेटिव का भी और नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सिर्फ हैड के बाद हमने नॉट लगा देना, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, शी हैड नॉट गोन टू हैंग आउट विद हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। दे हैड नॉट रेस्क्यूड द इंटायर रिफ्यूजीज फ्रॉम द फ्लडेड एरिया, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच देयर, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी हमारा क्या होगा, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस वैसे ही रह जाएगा। हैड शी गोइंग टू हैंग आउट विद हर बॉयफ्रेंड, हैड दे रेस्क्यूड द इंटायर रिफ्यूजीज फ्रॉम द फ्लडेड एरिया, हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच देयर, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हमने पीछे प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस पढ़े हैं ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर के बाद नॉट लगाया, सेम एज इट इज़ हम पास्ट परफेक्ट में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट वीडियो सुनी है तो फिर आपको इतना नहीं लगेगा। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट एनी एक्शन और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड सम टाइम्स कंटिन्यूड अनटिल अनदर एक्शन और अनदर टाइम, ठीक है। यानी कि पास्ट में वो शुरू हुआ था एंड सम टाइम कंटिन्यूड अनटिल अनदर एक्शन और अनदर टाइम, यानी कि अभी तक वो एक्शन वो परफॉर्म हो रहा है किसी और टाइम में। इट इज़ द सेम
as that one of the past perfect tense along with it highlights a time duration of the action that happened before something in the past. Structure of formula में subject had been plus verb ing यानी fourth form of verb continuous tense जब भी होगा आपने fourth form of verb भी use करनी है. ठीक है, perfect है तो इसका मतलब है यहाँ पे काम वो complete भी होगा. past perfect है, had use होगा. ठीक है, past perfect tense के लिए had use होता है ना, बस इधर हमने had been use करना है. subject plus had been plus fourth form of verb, फिर for और since का use करना है. फॉर और सिंस का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया, आप वो जाकर देखें. फॉर और सिंस का टाइम एक्शन का, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना. एग्जांपल, यू हैड बीन सिटिंग देयर फॉर सो लॉन्ग. ठीक है, दे हैड बीन डांसिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स. यानी कि फॉर का यूज़ फॉर आएगा क्योंकि इसमें हमने एक फिक्स टाइम उसने बताया हुआ है. एट हिज वेडिंग पार्टी. दे सब्जेक्ट, हैड बीन हमारे पास आया हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब डांसिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स. फॉर हमने फॉर सिंस का यूज़ किया और उसके बाद हमारा टाइम ड्यूरेशन आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया. इट हैड बीन रेनिंग फास्ट फॉर द होल नाइट सो ही कुडंट गो होम. ठीक है, इसमें ये देखें द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट एनी एक्शन और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. ये देखें इसमें पास्ट में सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इट हैड बीन रेनिंग फास्ट फॉर द होल नाइट, पास्ट में हुआ था. एंड समटाइम कंटिन्यू अनटिल अनदर एक्शन और अनदर टाइम, सो ही कुडंट गो होम. अब दूसरा एक्शन इसमें हुआ है. ठीक है, जब तक दूसरा एक्शन है नहीं होता, वो पहले वाला एक्शन होता रहता है. ठीक है, आप इसमें ये भी कह सकते हो कि वो काम, वो अमल या वो वाक्या जो माजी में शुरू हुआ और कभी कभी किसी और अमल या किसी और वक़्त तक जारी रहता है. ठीक है, उसके आगे आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. एंड सेम एज इट इज़ आ गया जी, हम क्या करेंगे इसके, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हैड बीन है. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नेगेटिव बनाते हुए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर सिंस एंड ऑब्जेक्ट. यू हैड नॉट बीन, अब हैड बीन इकट्ठे आ रहा था ना पॉजिटिव सेंटेंसेज में, नेगेटिव बनाते हुए हैड के बाद नॉट आएगा. यू हैड नॉट बीन सिटिंग देयर फॉर सो लॉन्ग, दे हैड नॉट बीन डांसिंग कंटिन्यूली फॉर 2 आवर्स एट हिज वेडिंग पार्टी. इट हैड नॉट बीन रेनिंग फास्ट फॉर द होल नाइट सो ही कुडंट गो होम. उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में, देखें हैड जो है ना वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस वैसे ही रहेगा. हैड यू बीन सिटिंग देयर फॉर सो लॉन्ग, हैड यू बीन डांसिंग कंटिन्यूली फॉर 2 आवर्स एट द वेडिंग एट दैट वेडिंग पार्टी. हैड यू बीन रेनिंग फास्ट फॉर द होल नाइट सो ही कुडंट गो होम. सो ये हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी पास्ट टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की. अगर समझ आ गई है और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर फ्यूचर सिंपल एंड इट्स टाइप्स. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.